टू फिट सीक्रेट टीवी अगेन। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग टू बेस्ट एंड हैवीएस्ट फैट बर्नर सप्लीमेंट्स। तो आज मैं आपको सजेस्ट करूँगा दो बेटर सप्लीमेंट कौन से हैं उनके लिए जो जिम जा रहे हैं, जो आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं टोटली अपने आप को, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, काफ़ी महीनों से लगे हैं बट अचीव नहीं कर पा रहे जो उनका डिज़ायर गोल है। सो जो सप्लीमेंट रहेंगे वो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, एंड वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि किनको यूज़ नहीं करना और क्यों यूज़ नहीं करना। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्यों यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, साथ में क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्योंकि हैवी सप्लीमेंट्स के साथ आपको प्रिकॉशंस भी ज़्यादा रखने होते हैं। सो इसी चीज़ पर हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग है फैट बर्नर्स को लेकर, कि इतने सारे फैट बर्नर्स हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनियाँ क्लेम कर रही हैं कि आप इस ये यूज़ कीजिए, वो यूज़ कीजिए, क्या यूज़ करें, क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट्स होने के बाद आप काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहते हैं कि क्यों यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, किसका यूज़ करें, ट्रस्टेबल है या नहीं है। और ऑब्वियसली सबको ही पता है कि फैट बर्नर लेने के बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। सो थोड़ा उसको लेके सीरियस भी हैं लोग कि यूज़ करना सेफ है या नहीं है। सो आज दो सप्लीमेंट आपको रिलीव करूँगा मैं कि कौन से बेस्ट सप्लीमेंट है, और जो मैं आपको सप्लीमेंट बताऊँगा वो ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे खुद के ऊपर, मेरे क्लाइंट्स के ऊपर, और काफ़ी लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ, बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। सो सबसे पहली चीज़ बात होती है आपका, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको फैट लॉस करना है। फैट बर्नर बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वेट गेन हो चुका है, फैट लॉस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उनको रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, वो एफर्ट कर रहे हैं। बट हमारे डे टू डे लाइफ में हर कोई बिजी है, मैं प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा, बट जो भी एक फिटनेस फ्रीक है, अपना आपको मेंटेन रखना चाह रहे हैं, अपने टाइम निकाल रहे हैं रिगार्डिंग जॉब के बीच में या बिजनेस के बीच में, एक्स वाई जेड जो भी है, सो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है फैट बर्नर से, एक मोटिवेशन मिल जाता है। जब आपको रिजल्ट नहीं आते तो आप डीमोटिवेट होने लग जाते हो, जब रिजल्ट मिलता है तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हो। सो हमारा जो सबसे पहला सप्लीमेंट है, जो दो में सप्लीमेंट बताऊँगा, उसमें सबसे पहला सप्लीमेंट है आपका लाइपोसिक्स। लाइपोसिक्स जो सप्लीमेंट है काफ़ी एक्सट्रीमली हैवी फैट बर्नर है और काफ़ी ही पॉपुलर सप्लीमेंट है, और इसके रिजल्ट भी औसम है। सो मैंने बहुत से लोगों को यूज़ किया, मैंने खुद भी यूज़ किया है, मैं बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस है, आप मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, इधर एक पिक भी डाल दूंगा, तो आप मुझे फॉलो करके देख सकते हैं, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता रहता हूँ अपने बीच बीच में। सो मैंने यूज़ किया है लिपोसिक्स, मेरे क्लाइंट्स ने भी यूज़ किया है, एक बहुत ही औसम रिजल्ट है, बट एक्सट्रीम हैवी है। एक्सट्रीम हैवी इसी क्योंकि लेने के बाद ना आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको बहुत देर तक ना एक्टिवनेस तो बहुत अच्छी मिलती है इसे। जनरली अगर आप इसको सुबह वर्कआउट करेंगे तो ही यूज़ करना इसको, अगर शाम का वर्कआउट करने हैं तो मत यूज़ करना, क्योंकि कैफीन बेस्ड फैट बर्नर है, आपको एक्टिव रखता है, काफ़ी देर तक नींद नहीं आएगी आपको, ऑलमोस्ट कई कई बार तो पूरी पूरी रात भी निकल जाती है। सो कोशिश करना अगर वर्कआउट करें तो सुबह के टाइम पर यूज़ करना, या जितना जल्दी यूज़ करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर शाम को वर्कआउट करें उसको शिफ्ट कीजिए थोड़ा पहले, जितना लेट यूज़ करेंगे उतना आपका स्लीप डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि हैवी सप्लीमेंट्स भी वो लोग यूज़ करें जो हैवी वर्कआउट करते हैं, जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जो उसको टॉलरेट कर पा सकते हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड एंड द अच्छा जो सप्लीमेंट है आपका, वो है आपका मसल टैक का हाइड्रोक्सी कट नेक्स्ट जेन। मसल टैक में दो सप्लीमेंट्स आते हैं, एक आपका हाइड्रोक्सी कट आता है और एक आपका हाइड्रोक्सी कट नेक्स्ट जेन आता है, और एक आपका हाइड्रोक्सी कट इलाइट आता है। सो इलाइट को थोड़ा माइल्ड ग्राइंडर जब ब्लैंड है आपका गार्सिन या कम्बोजिया का। सो आपको जो यूज़ करना है वो करना है आपको हार्ड कोड नेक्स्ट जेन, ये भी कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट है, इसको भी आपको वर्कआउट से पहले ही यूज़ करना है। सेम इशू है उसके साथ भी, वही है कि जितना लेट यूज़ करेंगे स्लीप डिस्टर्ब होगा आपका, तो जितना पहले यूज़ कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन था कि लेना कितना है। लाइपोसिक्स का जो सर्विंग है वो 1 servings इन अ डे है, लाइक आपको 1 capsule लेना है बिफोर द वर्कआउट, 20 minutes वर्कआउट से पहले अपना 1 capsule यूज़ करना है आपको। मसल टैक का जो सर्विंग है वो है आपका 2 capsules इन अ डे, लाइक बिफोर द वर्कआउट 2 capsule आप ले सकते हैं, बट आप एक से भी स्टार्ट कीजिएगा, जब उसको टॉलरेट करना शुरू कर देंगे फिर आप उसके 2 कर देना। फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 week तक 1 capsule लेना, 1 week के बाद 2 capsule लेना डे कर सकते हैं आप उसका। सो इस तरह से लेना है उनको। प्रिकॉशन क्या रखने हैं, अगर आप एक का जो वर्कआउट है 1 hour से ज़्यादा है, अप्रोक्स 1 hour 30 minutes या अप्रोक्स 2 hours तक, तो ही आप उसको यूज़ करना। मिनिमम 1 hour का वर्कआउट होना चाहिए। वर्कआउट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जिम गए, हल्का फुल्का किया, आधा टाइम वर्कआउट किया, आधा टाइम अपने फ़ोन पे चैटिंग किया, नहीं। एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं अप्रोक्स 1 hour, अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं
तो ही मैं रिकमेंड करूंगा दोनों सप्लीमेंट लेने के लिए। अगर आप एक हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं सो टोटली अवॉइड करना लेने के लिए। जैसे मैं बताया, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एक डिजीनेस बढ़ जाती है लेने के बाद, क्योंकि हैवी सप्लीमेंट्स को वही लोग टॉलरेट कर पाएंगे जो एक अच्छा वर्कआउट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लेना किन को नहीं है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया, किन्हें नहीं लेना, जिनको बीपी का इशू है, जो हार्ट पेशेंट है, जिनकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई है, ठीक है, जिनको थायराइड है, उन लोगों को बिल्कुल भी फैट बर्नर नहीं लेना कोई भी। क्योंकि अगर जैसे होता है हार्ट बीट बढ़ा दे, अगर आप ऑलरेडी आपको हाई बीपी हाइपरटेंशन है तो स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टोटली अवॉइड कीजिएगा लेने के लिए। जिनको थायराइड है वो भी ना यूज़ करें। सो सेफ टू कंज्यूम रहता है उनके लिए जो वर्कआउट करते हैं, जो एक्टिव हैं, जो फिट हैं, ठीक है। बाकी लोग जिनको मैंने बताया, जिनको ये मेडिकल कंडीशंस हो, वो लोग यूज़ ना करें। एंड अच्छा वर्कआउट और अच्छी डाइट ही आपको सप्लीमेंट्स को सपोर्ट करती है। सो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं इतने टाइम से तो ऑब्वियसली डाइट भी अच्छी रही होगी आपकी। सो डाइट मेंटेन करते रहना, एक एक्सट्रीम वर्कआउट करना, एंड सबसे जरूरी बात पानी ज़्यादा पीना। क्योंकि जब वेट लॉस पे होते हो तो आपकी बॉडी ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना हाइड्रेट रहोगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। सो ये चीज़ें करनी है। आज का वीडियो यहीं तक था। विश इन फ्यूचर कोई भी डाउट हो, किसी तरह का इश्यू हो, सब मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज कमेंट्स में कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी फिट, बाय।